everyone, this is Arya Singh and today we are here to discuss about the major topic of class 8th geography NCERT. तो आज जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने कन्वेंशनल, जैसे देखिए मैं शुरू से बताती हूँ, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज का चैप्टर है, मिनरल्स को किया था कंप्लीट। अब ये जो पावर रिसोर्सेज है इसमें हमारे दो तरह के पावर रिसोर्सेज आते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज हम उस रिसोर्सेज को कहते हैं जो बहुत ही लॉन्ग टाइम से हमारे यूज में है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल जो वो रिसोर्सेज हो सकते हैं जैसे जो कन्वेंशनल, जैसे फायरवुड हो गया, उसे हम यूज करते करते आ रहे हैं, तो उनका जो है स्कैर्सिटी ना हो जाए, उनकी कमी ना हो जाए, उनके उस चीज को बैलेंस रखने के लिए हमें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स को ऑप्टेन किया है। तो ये है हमारा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का एग्जांपल्स। कन्वेंशनल के एग्जांपल्स आएंगे फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और नॉन कन्वेंशनल के एग्जांपल आ जाएंगे आपके टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, बायोगैस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हमने यहाँ पे सीखा। तो एक्चुअली एक टेबल है एक्चुअली आपके बुक में जो आपको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो जो एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए गए उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझाता है। ओके, अब देखिए क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, उसी चीज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए आप एक स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं। सो देखिए अब जो है यहाँ पे वो है ऑयल, नेचुरल गैस। देखिए ऑयल के एडवांटेज, नेचुरल गैस की एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ बोथ, यानी ऑयल और नेचुरल गैस ये दोनों की डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, चलिए ऑयल क्या है एडवांटेज है, देखिए ऑयल की क्या एडवांटेज है, ऑयल इजी टू ट्रांसपोर्ट, टैंकर्स के थ्रू आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ये ऑयल की खासियत है, एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज है बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का बेसिस है, यानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ऑयल का यूज बहुत ही लार्ज अमाउंट में और एज अ मेन फॉर्म में, यानी मेन मटेरियल की फॉर्म में किया जाता है। ओके, ये है हमारे ऑयल के एडवांटेज। अब आते हैं हमारे नेचुरल गैस के एडवांटेजेस। भाई तो नेचुरल गैस के क्या एडवांटेजेस हैं नहीं है उन्हें करते हैं डिस्कस। तो नेचुरल गैस एडवांटेजेस, हाँ तो नेचुरल गैस के एडवांटेज है इजी टू ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस के थ्रू आप नेचुरल गैस को सिंपली इजी वे में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लीनर देन ऑयल एंड कोल। देखिए क्या होता है ना कि ऑयल और कोल जो होता है वो जलता है, उसमें कंबशन होता है, तो कोल में सिंपली जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उससे कार्बन मोनोक्साइड गैस, यानी जिसे हम कार्बन मोनोक्साइड को सीओ बोलते हैं, ठीक है, सीओ गैस उससे रिलीज होती है। तो ये जो सीओ गैस होता है ये बहुत ही सफोकेटिंग गैस होता है, स्मेललेस, यानी वो आपके जा रहा है बॉडी में लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, कुछ ऐसा गैस होता है और बहुत ही सफोकेटिंग होता है, प्रॉब्लम क्रिएटिव होता है उससे, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग की डेड हो जाते हैं, मतलब हो सकता है डेथ भी काउज कर देता है वो गैस। तो नेचुरल गैस जो है हमारा वो क्लीनर है ऑयल और कोल के मुकाबले एंड चीपर देन ऑयल, और ये नेचुरल गैस हमारे तेल से भी सस्ता है, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ देखिए, कोई भी चीज़ की एडवांटेज होती है तो उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। तो डिसएडवांटेज है हमारी ऑयल और नेचुरल गैस की ये कि डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज, ऑयल की स्पाइलेज और गैस लीकेज के कारण ऑक्सीजन में डिप्लीशन होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, पॉल्यूशन रिलीज काउ जैसे ड्रिंक। ओके, पॉल्यूशन जो यहाँ से रिलीज होता है वो काउज करता है एसिड रेन, कैसे अभी मैं बताऊँ। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी। ओके, तो ये रहे कुछ डिसएडवांटेजेस। और एसिड रेन कैसे काउज करता है, तो जो कोल होता है चलिए मोनोक्साइड गैस रिलीज होता है, यहाँ तक कि पेट्रोलियम जो होता है, ऑयल जो होता है उससे हमारा जो गैस निकलता है उसमें नाइट्रेट भी होता है। ओके, नाइट्रेट, कोल, ये सब मिलके और बहुत सारे अदर अदर गैस जो बहुत ही सफोकेटिंग होते हैं वो जाते हैं और हमारे एयर में वाटर के जो ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं, क्लाउड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे जाकर उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे एसिड रेन काउज करता है, इसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियोज में दे दी है। ओके, अब देखिए तीन चार एग्जाम्पल्स आपके बुक में, फोर थिंग्स दिए गए हैं
ऑयल, नेचुरल गैस, हम हाइडल पावर पे एंटर करें। हाइडल पावर में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला मेजर एडवांटेज तो हमारा ये है कि ये नॉन पॉल्यूटिंग है। दूसरा, ये चीप है, बहुत ही ज्यादा सस्ता है, ठीक है। तीसरा, प्रमोट इरीगेशन। हाइडल पावर क्या है, नहीं है, कहाँ पाया जाता है, मैंने वीडियो में कंप्लीट कराया है। तो ये इरीगेशन को प्रमोट करता है, फिशिंग को भी प्रमोट करता है। सिंपली कैसे करेगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, सो इजी। एंड डिसएडवांटेज, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि ये जो होता है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। ओके, जैसे हर एक जगह तो आप हाइड्रो पावर स्टेशन लगा नहीं सकते, कोई स्पेसिफिक जगह ही होगी जहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा, जहाँ से हम हाइड्रो पावर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस जगह हम हाइड्रो पावर लगाएंगे भाई, तो अगल बगल में जो गांव है उन्हें खाली करवाना होता है। लोकल कम्युनिटी को एक जगह से दूसरी जगह एक तरफ से बोले तो हटाना पड़ता है, पहली चीज डिसएडवांटेज है। दूसरा, एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा इसका जो स्टेशन सेटअप करना होता है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा भी एक्सपेंसिव होता है और इनंडेट्स लो लाइंग रीजंस। अब देखिए ये बहुत ही तीसरा चीज इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ से नदी बह रही है, इधर कुछ लोग रह रहे हैं, भाई आप यहाँ के और यहाँ के खाली करवाओगे, जो इस किनारे पर रह रहे हैं उन्हें कैसे खाली करवाओगे। अब उन्हें भी करोगे, अगर वो इतने दूर पर है तो आप, हम सिंपली यहाँ पे नदी के पानी को रोकेंगे, भाई क्यों यहाँ पे रोकेंगे, क्योंकि हमें डैम सा बनाना है। अब यहाँ रोकेंगे तो वाटर का प्रेशर इधर आ जाएगा, जिससे यहाँ इस एरिया में आ जाएगी बाढ़, यानी इनंडेट्स आ जाएंगे। तो इनंडेट्स लो लाइन रीजन, जो लो लाइन रीजन है वहां पे बाढ़ की प्रॉब्लम्स हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। ओके, चलिए ये चीज आप समझ गए होंगे टेक स्क्रीनशॉट रैपिडली। तो एक बहुत ही मेजर टॉपिक और है जो फायर के बारे में दर्शाता है, उसे भी कवर कर लेते हैं। सो काउंट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 5 टेक एन स्क्रीनशॉट। या सो अब जो देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। जो एक्चुअली हमने सारी चीजें कवर किया, फायर वुड और कोल बचा हुआ है जो आपके बुक में दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फायर वुड के क्या एडवांटेज है, कोल के क्या एडवांटेज है, फायर वुड के क्या डिसएडवांटेज है, कोल के क्या डिसएडवांटेज है, मैंने पूरा बोर्ड पे राइट डाउन करके लिखा। मैंने बहुत लार्ज लेटर्स में लिखा है जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। दो, सो फायर वुड के एडवांटेज है कि वो इजी एक्सेसिबल है भाई, फायर वुड के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मतलब देखोगे पेड़ है भाई, काट लेते हैं, कहीं भी गए देखा पेड़ है, चलो जलाने में काम आएगा, ले लेते हैं। तो पेड़ हर जगह है तो इजीली एक्सेसिबल है और प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और हर जगह जो इजी एक्सेसिबल है, गाँव वगैरह में आज भी एलपीजी आने के बावजूद लोग उसको यूज करते ही है। ओके, या तो इजी एक्सेसिबल है हमारा फायर और एनर्जी प्रोवाइड करता है एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, पहला चीज। ये दो चीज मैंने दोबारा रिपीट करके आपको समझा दिया, ये इसके एडवांटेज है। आप चलिए फायर के डिसएडवांटेज देख लें। इसके डिसएडवांटेज क्या है, आप देखिए ये जलता है, सबसे पहले आप धुआं, कौन नहीं जानता होगा धुआं, तो आप सबने देखा होगा। जब आप, हो सकता है आपके घर में यूज होता होगा, अगर यूज होता है उससे कितना ज्यादा धुआं उठता है, तो आप बच्चे तो हो नहीं, इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि उससे पॉल्यूशन होगा। दूसरा, हेल्थ प्रॉब्लम्स का ओजोन, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहला आप पेड़ जितना काटेंगे डिफॉरेस्टेशन होगा। तीन चीज तो बहुत सिंपल है जो आप खुद से सोच सकते हो। सो फायर कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग। अब फायर कुछ देखिए इजी एक्सेसिबल है हर जगह, लेकिन उसको काटने में, पीस पीस करने में बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो एक्चुअली ये जो है इसके कलेक्शन में, फायर के कलेक्शन जो होता है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पॉल्यूटिंग होता है, ये हमारे एयर को पॉल्यूट करता है, इससे जो स्मोक उठता है वो क्या करता है, एयर को पॉल्यूट करता है। तीसरी चीज, डिफॉरेस्टेशन का होता है, अब ज्यादा से ज्यादा पेड़ आप जलाने के लिए काट रहे हो, पेड़ कटते जा रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो पर डिफॉरेस्टेशन को जवाब देने के लिए आप एफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हो। एफॉरेस्टेशन मतलब वो जो पेड़ हम लगाते हैं उसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं, और उसके काटने के प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ओके, या तीसरी चीज, प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसके वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। 1, 2, 3, 4 इसके डिसएडवांटेज है और 2 इसके एडवांटेज है। अब चलते हैं कोल के। कोल का एडवांटेज है एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, प्रचुर मात्रा में, मतलब अवेलेबल है, बहुत ही बड़े पैमाने पर अवेलेबल, एक्सटेंसिवली अवेलेबल है। लेकिन यूज तो हमें उतना ही करना है ना, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता रहे, उसकी जो अमाउंट है वो कम ना हो, तो ये सब सोच के यूज करना, वो तो अलग बातें भी। यहाँ पर देखें एक्सटेंसिवली अवेलेबल है,
और इफिशियंट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके एडवांटेज ये है कि ये इससे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी ये एबल होता है, ये सक्षम होता है कि ये कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ एक्सटर्नल चीज ही अवेलेबल है। अब देखिए दो चीज़ हैं यहाँ पे, दो मेजर चीज़ दी गई है जो इसके डिसएडवांटेज है। पहला है पॉल्यूटिंग सोर्स, कोल जो है हमारा बहुत ही बड़ा पॉल्यूटिंग सोर्स है, कार्बन मोनोक्साइड गैस इससे रिलीज होता है, इसके इनकम्प्लीट कंबशन से मैंने आपको बता दिया। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, जो कोल होता है वो बहुत बहुत बड़े बड़े ढेले में पाया जाता है, अब उसको आप काट के ट्रांसपोर्ट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा वेट हो जाता है उसका, तो बल्कि टू ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने में थोड़ा हैवी हो जाता है, तो इसके लिए बल्कि ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे लिखा गया है, यानी बहुत ही बड़े बड़े टुकड़ों में होता है ना इसलिए। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब देखिए सारी चीज़ें हो गई है, अगला वीडियो आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एक नया सोर्स जियोथर्मल एनर्जी न्यूक्लियर पावर भी आने वाला है, वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का नोटिफिकेशन बटन कर दीजिए ऑन, बिकॉज दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो टैप द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल ऑफ लेट्स डिस्कवर इट डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।